एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सोनाली शर्मा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मीशो हॉल, जिसमें हम करने वाले हैं टू शॉर्ट्स का रिव्यू, साथ में हम करेंगे थ्री टी शर्ट का भी रिव्यू। तो मैंने मीशो से मंगवाई थी टू शॉर्ट्स और थ्री टी शर्ट्स, तो देखती हूँ मुझे कैसे परचेज हुई है। शॉर्ट्स को तो मैंने एक्चुअली वॉश करके भी देख लिया, तो उनका जो रिव्यू होने वाला है वो आफ्टर वॉश वाला भी होने वाला है। तो देखते हैं हम उनकी क्वालिटी कैसे आई है हमें। तो ओके, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। मुझे ना समझ नहीं आ रहा है, पहली शॉर्ट का रिव्यू करें या टी शर्ट से शुरू करें। ओके, तो मैं टी शर्ट से शुरू कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट टी शर्ट है, तो मैंने ये ओपन कर ली थी, बट मैंने ये अभी तक पहनी नहीं है। आवाज़ नहीं आई ना, पहले इसको ओपन कर लेती हूँ। ओके, तो मैंने अभी तक ये पहनी नहीं है, मैंने सिर्फ देखी थी। लेवेंडर कलर में मंगवाया था और इसमें प्यारी सी कैडो बनी हुई है और इसमें लिखा डोंट किस मी। ओके, तो क्वालिटी की अगर बात करें तो कपड़ा टी शर्ट का मोटा है, मतलब ऐसे पतला नहीं है और सी थ्रू फैब्रिक नहीं है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कैसे इस वजह से दिखता नहीं है, ठीक है, मतलब इतना सी थ्रू नहीं है कपड़ा, काफ़ी इसका जो है वो मोटा आया हुआ है, ऐसे बिल्कुल पतला सा कपड़ा नहीं आया हुआ है। क्वालिटी मुझे इस टी शर्ट की बहुत अच्छी लगी। मैंने ना ये मीडियम साइज़ में मंगवाया था, बट ये ओवर साइज टी शर्ट लग रही है मुझे, ठीक है। और आप देख सकते हैं ऐसे यहाँ पे प्यारी सी कैटू भी बनी हुई है। तो मैं आपको इसको पहन के बता देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये पहनने के बाद मुझ पर कैसी लग रही है। और इस क्वालिटी तो मैंने आपको बता दी कि सुपर डुपर है, मतलब कपड़ा अच्छा आया हुआ है, मोटा वाला आया हुआ है, सब पतला वाला जैसा कपड़ा नहीं है कि जैसे सी थ्रू फैब्रिक में है। ओके, तो अब हम इसको पहन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। मुझे तो ये टी शर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसकी जो क्वालिटी है एकदम ओके है, मतलब ओके नहीं है, टू गुड है, मैं ऐसा बोलूँगी। बहुत ही अच्छा फैब्रिक लगा मुझे, सॉफ्ट सॉफ्ट है जो बिल्कुल भी नहीं रहा है, क्योंकि ये सच में मेरे को प्योर कॉटन लग रहा है। और मेरे को बस एक दिक्कत लग रही है कि हम इसको धोएंगे ना तो इस पर जो ऐसे किटीज बनी है ना, कहीं ये ना चली जाए, बस ऐसे ही लग रहा है। ये इसमें सबसे अच्छी चीज़ है भी यही, और इसमें इतना अच्छा लगा हुआ है डोंट किस मी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये लेवेंडर कलर में है, बहुत ज़्यादा सुपर लग रही है, घर में पहनने के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने सोचा था ये बहुत ही ज़्यादा ओवर साइज है, ये मुझे पता नहीं इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था, बट आप देख सकते हैं लूज लूज अच्छी लगती है घर पे, ब्रीथेबल जैसा लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लूज लग रही है और बहुत ज़्यादा भद्दी लग रही है, आपने देख ही लिया होगा पूरा लुक। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका जो प्राइस है वो 281 है, तो 281 में ना बहुत ही अच्छी डील थी, तो मैंने ये फटाक से मंगा ली, बट मुझे पता नहीं था क्वालिटी इतनी अच्छी आएगी। तो आप भी मंगा सकते हैं, मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप आसानी से देख सकते हैं, अगर आपको लेनी होगी तो आप ले सकते हैं। हम बात करते हैं हमारी अब नेक्स्ट टी शर्ट की। नेक्स्ट टी शर्ट में ये खास बात है कि ये कॉम्बो में मुझे मिली हुई है, और आप देख सकते हैं मैंने इसका पैक वैसे खोल लिया था, ओपन करके देख ली थी, बट ऐसे लिफाफे से बाहर एक ही निकाली थी। तो ओके, मैं आपको बता देती हूँ पहले, तो ये आप देख सकते हैं ये मिकी माउस वाली है, मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ। तो आप देख सकते हैं पीच जैसे कलर में और एक लाइट सी ग्रीन जैसे कलर में, और दोनों पे मिकी माउस बना हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ओके, अभी ओपन करते हैं और देखते हैं इनकी क्वालिटी कैसी आई है। मैं आपको जो है वो प्राइस बता दूंगी यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, और इसका ट्राई ऑन हॉल भी होने वाला था कि आपको पता चल जाए कैसी लगेगी। तो मैंने साइज जो है वो सबके मीडियम ही मंगवाए थे, तो वैसे ही पैकेजिंग में आया था। ओके, आप देख सकते हैं इस पर ऐसे प्लेन है और मिकी माउस बना हुआ है, और ये राउंड नेक वाली है। इसकी क्वालिटी भी ठीक ठीक है, अगर मटेरियल की बात करें ना तो वो कॉटन है, और ये भी कॉटन है, बट उतना मेरे को प्योर कॉटन नहीं लग रहा है ये, ठीक है। और आप देख सकते हैं इस पे से अगर आप देखोगे ना तो आपको मतलब हाथ थोड़ा बहुत विजिबल होगा, बट ऐसे मतलब इतना भी सी थ्रू फैब्रिक नहीं कि सब कुछ ही दिखेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं ये ऐसी है, तो मैं इसको भी वेयर करके बता देती हूँ आपको कैसी लगती है, क्योंकि मैं भी इसको सोच रही हूँ इसको रखूँ या वापस कर दूँ, क्योंकि मैंने भी इसको एक बार पहन के नहीं देखा, तो आपके साथ ही होने वाला मेरा रिएक्शन, तो पहनने के बाद मैं भी देखना चाहूँगी कैसी लगती है मुझ पर। ओके, अब बात करते हैं इसी की सेम नेक्स्ट टी शर्ट की। तो मैं इन दोनों के ट्राई ऑन ना आपको एक साथ दिखा दूंगी, तो हम इकट्ठी करेंगे इन दोनों के ट्राई ऑन साथ में।
ओके, तो अब बात करते हैं इस वाली की। हाँ, मेरे को ये कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग गया था, तो इसलिए मैंने ये वाले पेयर चुने। और आप देख सकते हो इसमें मिकी माउस प्यारा सा है, बट मुझे ना इसके स्टिकर का एक और डाउट है। मुझे लगता है ना जब हम इसको वॉश करेंगे तो ये मुझे लगता है चला जाएगा, लगता है शायद ये जा सकता है। ओके, ये भी मीडियम साइज़ है, आप देख सकते हैं साइज़ जो है वो हमारा ए मीडियम है इसमें। ओके, तो इसका भी मैं आपको पहनने के बाद बता देती हूँ, और प्राइस जो है मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी ट्राई ऑन करते वक्त। तो अब इसका ट्राई ऑन भी कर लेते हैं हम। ये मुझे 261 की दो मिली हैं, एक पीच कलर में आप देख ही सकते हैं मैंने पहनी है, और एक जो है हमारा सी ग्रीन कलर है वो मैं आपको पहन के बताऊंगी। मुझे ना इसमें मतलब दिक्कत मतलब है, बहुत अच्छी क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, वही वाली बात है कि शायद इसके स्टिकर कहीं धो के चला ना जाए। और सेकंड बात ये है कि मुझे ना ये थोड़ी सी टाइट लग रही है अपने लिए, और मुझे ना घर में थोड़ी सी खुली लूज टी शर्ट पहनने की आदत होगी, मतलब इतना ब्रीथेबल टाइप नहीं लग रहा है मुझे। तो मुझे लगता है मैं इसको एक्सचेंज में, नो नो सॉरी, एक्सचेंज में तो नहीं डालूंगी। हाँ, एक साइज बड़ा भी मंगवा सकती हूँ सेम टी शर्ट का, या तो फिर मैं ऐसा करूँगी कोई और टी शर्ट मंगवा लूंगी, या तो इसको एक्सचेंज में डाल के इसमें लार्ज साइज मंगवाऊंगी। आई थिंक मैं लार्ज मंगवाऊंगी ना, तो मुझे लगता है वो मुझे ठीक फिट आएगा। मतलब ये भी फिट ठीक आ रहा है, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ही टाइट है, बहुत ही ज्यादा टाइट लग रहा है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, बट मुझे हाँ थोड़ा सा टाइट फील हो रहा है। मुझे थोड़ी सी लूज टी शर्ट आजकल अच्छा लगता है घर में पहनना, तो आप देख सकते हैं। और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, 261 में दो टी शर्ट मिली, और क्या चाहिए। हो सकता है मैं इसमें लार्ज साइज ही मंगवाऊँ, तो मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूंगी। तो शायद मैं इसमें लार्ज साइज मंगवा सकती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है सच में कि मतलब ऐसे टाइट टाइट नहीं, बट हाँ हल्का सा मतलब टाइटनेस लग रही है इसमें। बाकी टी शर्ट टू गुड क्वालिटी, टू गुड। ओके, अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट टी शर्ट पे। क्वालिटी भी ऑसम है, सब कुछ ठीक है, पर मैंने जो आपको फर्स्ट टी शर्ट में बताया, सॉरी वो सेकंड जिसकी तरह सेम थी वैसा बताया, थोड़ी सी टाइटनेस मुझे लग रही है। मतलब ऐसे टाइट नहीं है, है मतलब मेरे साइज में भी इसको पहन सकती हूँ, ऐसी बात नहीं, बट अब थोड़ा सा लूज पहनने की आदत होगी, जिनको लूज पहनने की आदत होगी होगी ना घर में, उनको पता है कि मतलब ये थोड़ा सा ना मतलब टाइट लग सकता है उन लोगों को। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, सॉरी तो मैं ये सजेस्ट करूंगी आपको कि अगर आप मीडियम पहनते मेरी तरह तो आप लार्ज मंगवाना, मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा लूज पहनते तो। अगर आप अपने साइज में मतलब घर में आपको ठीक लगता है तब तो ये ठीक है, कलर तो मेरे को लगता है कॉम्प्लीमेंट दे रहा है बहुत ज्यादा, और सब कुछ इसमें ऑसम है। बस एक ही है जो मैंने आपको बोला साइज का, तो देख लिया टी शर्ट का रिव्यू कि टी शर्ट कैसी आई थी। अब हम चलते हैं अपनी शॉर्ट्स की तरफ, तो आप देख सकते हैं मेरी शॉर्ट्स में जो था वो भी मैंने पेयर मंगवाया हुआ है, एक मैंने यूज कर लिया और मैंने अभी तक पहनी नहीं है। तो इसका रिव्यू पहले मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसको ओपन करके दो देख ही लिया था और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आप देख सकते हैं इसमें कितना मल्टी कलर है, बहुत सारे कलर है, आप किसी भी कोई भी टी शर्ट ले सकते हैं, मिस मैच कर सकते हैं, या सेम आप स्काई ब्लू भी ले सकते हैं, पिंक भी ले सकते हैं, लाइट पिंक भी ले सकते हैं, येल्लो भी ले सकते हैं, है ना। इसमें सारा मतलब ब्लैक वगैरह कुछ भी मतलब चलेगा, ठीक है, मिस मैच करके भी पहन सकते हैं। क्वालिटी की बात करूँ तो ये कॉटन ही है, पहली बात ये कॉटन में नहीं है, ये पॉलिस्टर का फैब्रिक लग रहा है मुझे, ठीक है। और मगर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, यू नो ऐसा नहीं है कि ब्रीथेबल फैब्रिक टाइप नहीं है, मतलब कि आपको अच्छा लगेगा पहनने के बाद, ऐसे मतलब घर में तो कंफर्टेबली चाहिए होते हैं ना चीज़ें, तो मतलब ये कंफर्टेबल है। और आप इसको आप देख सकते हैं इसमें आप पॉकेट्स में मिलती हैं, दोनों तरफ पॉकेट्स मिलेगी। मैं आपको इसको पहन के भी बता देती हूँ और मैं ये भी बता देती हूँ मुझे जो पेयर है वो कितने में मिले हैं, बट उससे पहले हम नेक्स्ट शॉर्ट्स को भी देख लेते हैं, ट्राई ऑन में एक साथ कर दूंगी इनका। मेरी नेक्स्ट शॉर्ट्स ये कॉम्बो में थी, ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे टॉम एंड जेरी बने हुए हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये पॉलिस्टर टाइप फैब्रिक पे आएगा, मैंने सोचा था कॉटन में आएगी, बट आई तब भी अच्छी है क्योंकि कंफर्टेबल है। मैंने इसको पहन भी लिया और वॉश भी कर लिया है, तो वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं जैसी आई थी ना ये वैसी है, मतलब
बिल्कुल सही है। कुछ भी स्पेस है, मतलब कुछ भी न्यू आए कि मतलब जैसे होता है ना कई बार पॉलिस्टर कपड़े पे थोड़ा सा धागा वगैरह कैसे ऐसे खींच जैसे जाता है, कुछ अजीब सा हो जाता है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ वैसा हो जाता है, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ है एकदम भी। बिल्कुल जैसे आई थी ना तो वॉश करने के बाद भी बिल्कुल वैसी ही है। हम इसका ट्राई ऑन भी कर लेते हैं। और से मैंने आपको बता दिया 281 में बड़ी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और इन सब की जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ओके, आई होप आपको ये हॉल जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, 500 होने ही वाले हैं मेरे। मतलब एक एक सब्सक्राइबर भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज़ सपोर्ट मी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। अब मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय।